नमस्कार, मैं हूँ अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद अब इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अतिक्रमण करने की कोशिश करता है तो भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। इसी के साथ उन्होंने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि ये 1962 नहीं है। देश की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना को धन्यवाद देते हुए सीएम खांडू ने कहा कि पहले स्थिति अलग थी, ये अब 1962 नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीजों में सुधार हुआ है। अपने राज्य के लोगों की ओर से मैं देश की सुरक्षा के लिए हमारी सेना को धन्यवाद देता हूँ। पहले का परिस्थिति कुछ अलग था, इट्स नॉट 1962 एनीमोर। अभी हम लोगों का मोदी साहब का रीजन में हम लोगों का अभी काफी आगे बढ़ चुका है। ये टॉक अबाउट बॉर्डर रीजन, जहाँ भी है हम लोग का कनेक्टिविटी बढ़ चुका है। यांगसी सेक्टर में पहले कनेक्टिविटी नहीं था वहाँ पे, अभी हमारे वहाँ पे यांगसी सेक्टर में भी कनेक्टिविटी आ गया है। और जिस प्रकार से अपना इंडियन आर्मी ने जो चाइनीज पीएलए को जो वापस जो किया है वो काफ़ी उन लोगों को तारीफ करने लायक है। फ्रॉम दी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश में सभी जो वीर जवानों को तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तवांग में झड़प के बीच स्थानीय लोगों ने भी भारतीय सेना के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो अपने सामान्य जीवन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तवांग के स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र में शांतिपूर्ण स्थिति के लिए भारतीय सेना को श्रेय देते हुए भारतीय सेना पर अपना विश्वास व्यक्त किया और स्थिति की परवाह किए बिना सेना को अपना समर्थन देने की बात कही। ये जो हम लोग का इंडियन आर्मी के वजह से बॉर्डर पे वो लोग फिलहाल अपना रक्षा कर रहे हैं हम लोग के लिए, और इसलिए हम लोग यहाँ बहुत सुरक्षित। अभी के माहौल तो यहाँ पे बिल्कुल शांत है, और हम लोग को जितने भी यहाँ पे तवांग वासी हैं तो हमारे सैनिकों के कारण हम सुरक्षित हैं और हम हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हम लोग तो सुरक्षित महसूस करते हैं। इंडिया का फौजी लोग अच्छे से बॉर्डर में बैठते हैं, इसलिए ड्यूटी अच्छे से देते थे। हम लोग इतना डर नहीं, हम लोग को महसूस नहीं होता है, डर का महसूस नहीं होता है। इंडियन आर्मी, हाँ तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश तवांग में। तो हम लोग कितना लाइक बहुत प्राउड फील होते हैं इंडिया लोग लाइक इंडियन आर्मी हम लोग के लिए उधर में बॉर्डर्स में खड़ा हुआ है ना, हम लोग का सेवा करने के लिए। बताते चले कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर 2022 को झड़प हो गई थी। कुछ घंटों तक चले लाठी डंडे के दौरान हाथापाई भी हुई, जिससे दोनों पक्षों के कुछ सैनिकों को चोटें आई हैं। गौरतलब है कि ईस्टर्न लद्दाख में 2.5 साल से तनाव है, चीनी और भारतीय सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। हालांकि याक्से का इलाका पहले से ही विवादित रहा है, यहां LAC को लेकर झड़पें पहले भी हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में कई एरिया हैं जिनमें LAC को लेकर अलग अलग परसेप्शन है, जहां भारत और चीन के सैनिक दोनों ही अपनी अपनी क्लेम लाइन तक गश्त करते हैं। ये सिलसिला 2006 से चला आ रहा है, लेकिन ईस्टर्न लद्दाख में चीन के धोखे और फिर हाल ही में उत्तराखंड के औली में हुए भारत और अमेरिकी सैनिकों के युद्धाभ्यास को लेकर जिस तरह चीन ने आपत्ति जताई, उससे भी साफ है कि चीन कहीं भी कभी भी कुछ भी हरकत कर सकता है। चीन पहले भी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर आपत्ति जता चुका है। ईस्टर्न लद्दाख में भी भारत की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया उसे लेकर भी चीन ने आपत्ति जताई। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश के याक्से में चीनी सैनिकों की ये हरकत भड़काने वाला कदम मानी जा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।